गुस्सा आ रहा है मुझे पूर्वी पे, इतना गुस्सा कि मैं उससे बात ही नहीं करूंगा। क्या कर रही है वो, तोड़ क्यों नहीं रही है व्रत? मैंने उसे कहा, बात भी की, लेकिन नहीं, उसको मेरी बात ही नहीं माननी है। ठीक, मत मानो बात, जो करना करो, मुझे गुस्सा दिलाना है ना तो ठीक है, अब वो मेरा गुस्सा ही देखेगी। सबको दिख रहा है उसकी तबीयत कितनी खराब है, ठीक नहीं है वो, और तबीयत बिगड़ती जा रही है, लेकिन फिर भी उसको जिद करनी है। मन तो कर रहा है जाके सबको बोल दूं कि उसने व्रत रखा है, लेकिन नहीं, फिर सब लोग डांटेंगे उसको, सबको नहीं बता सकता। हो क्या गया मुझे, मैं क्यों सोच रहा हूं उसके लिए इतना? अरे, उसने मुसीबत को खुद अपने पास बुलाया है, तो मैं क्यों नहीं चाहता कि उस पर मुसीबत आए? गुस्सा तो हूं उससे, लेकिन चिंता भी कर रहा हूं उसकी। क्यों, हो क्या गया यार मुझे? नहीं, उसको जो करना है ना करने दो, वैसे भी जो कुछ लोग होते हैं जब वो ठोकर लगती है तभी समझते हैं वो लोग, मुझे कोई मतलब नहीं है। जो होता है होने दो, जो होता है होने दो। हेलो डॉक्टर। हेलो पूर्वी, तबीयत ठीक है ना? दवाई टाइम से ले रही हो ना? जी जी डॉक्टर, वो आरवी खुद दवाई दे रहा है। अच्छा, आरवी खुद दे रहा है, फिर ठीक है। बस आज का दिन अच्छे से निकल जाए कैसे भी, उसके बाद चिंता की कोई बात नहीं रहेगी। मतलब आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? अरे देखो पूर्वी, दरअसल मैं आपको डराना नहीं चाहता, बट आज का आपका दवाई लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दवाइयाँ पहले दिन अच्छे से असर करती है, और अगर आज आपने टाइम से दवाइयाँ नहीं ली तो तबीयत और भी बिगड़ सकती है, या तो ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है या आप कोमा में भी जा सकती हो। तो प्लीज आज आप खास दवाइयों का ख्याल करना। ओके, रखता हूँ, टेक केयर। जी थैंक यू। पेट दर्द कर रहा है क्या? सिर्फ पेट दर्द कर रहा है? प्लीज सुन मेरी बात, मान, अभी भी टाइम है, एक काम कर, तू व्रत तोड़ दे। वैसे भी घर में किसी को नहीं पता तूने व्रत रखा है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और तेरी हालत देखो और खराब होती जा रही है, मैं बोल रही हूँ व्रत तोड़ दे। दी बस दिया, दोबारा मत बोलना व्रत तोड़ दूं मैं, क्या बोल रही है तूने? वो करवा चौथ की कथा नहीं सुनी जो माँ ने सुनाई थी? माँ ने बताया था कि एक सुहागन होती है और उसके भाई उसे नकली चांद दिखाते हैं और वो अपना व्रत तोड़ देती है, उसके बाद उसके पति की जान। नहीं दिया, मैं देख, मैं इन सब चीजों में बहुत विश्वास करती हूँ, और ये कलयुग है, यहाँ थोड़ी मैं यमराज के पास जाके अपने पति की नहीं देख रही थी, मैं ये व्रत ही तोड़ूंगी। समझती है ना, सब जानती है, फिर भी मुझे व्रत तोड़ने के लिए बोले जा रही है, तो गलत क्या है इसमें? हाँ, ये कलयुग है ना, तो कलयुग सबके लिए है, अगर इस कलयुग में तुम मेरे लिए व्रत नहीं रखोगी तो मैं मर नहीं जाऊंगा। तुम इसको समझा रही हो, तुम्हें खुद समझ आ रहा है? अरे हालत देखो यार अपनी, तुम्हारी आवाज से पता चल रहा है कि तुम्हारी तबीयत खराब है। देखो प्लीज प्लीज कुछ खा लो, अब बहुत हो गया, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हारे साथ जिद करना, लेकिन प्लीज अभी बहुत हो गया, कोई ऑप्शन नहीं, चलो कुछ खा लो। नहीं नहीं, चलो अभी प्लीज प्लीज आरवी, बस बस आज के लिए मुझे व्रत करना है आरवी। और देखो मुझे पता है कि मेरी हालत सही नहीं है और ये सब करना भी बहुत मुश्किल है, इससे में मुझे व्रत नहीं करना चाहिए, पर मैं दिल से कर रही हूँ, प्लीज। प्लीज क्या होता है, मैं भी तुम्हें हजार बार प्लीज बोलता हूँ, तुम मानोगी मेरी बात?
तोड़ूंगी व्रत। और व्रत करने का तरीका होता है, वो कर रही है ना वो मोनिशा, तरीके से कर रही है। और हाँ, मोनिशा से याद आया कि तुम डर रही हो ना कि तुम व्रत तोड़ दोगी तो मुझे कुछ हो जाएगा। मैं तुम्हें बता दूं, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो भी व्रत कर रही है, वो भी मेरे लिए। तुम जाओ यहाँ से। क्या? क्यों जाऊं? हार्वी प्लीज, मेरे अंदर ऑलरेडी हिम्मत नहीं है, मैं तुमसे और ज्यादा बात नहीं करना चाहती। अरे लेकिन जाओ, जाओ। दिया वेट, क्या हुआ, क्या बात है, बताओगी? चीजू, आपको दीसे से बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ माना कि उसकी गलती है, आप सही हो, वो गलत कर रही है, लेकिन चीजू आप ये भी तो देखो, वो किसके लिए कर रही है, क्यों कर रही है? वो बस अच्छे के लिए कर रही है और अच्छे मन से कर रही है। और उसके अच्छे का क्या, वो खुद के साथ बुरा करे, ये उसका अच्छा करना हो गया क्या? देखो चीजू, मैं आपके साइड हूँ सच्ची, और मैं समझ रही हूँ आप जो कर रहे हो, वो क्यों कर रहे हो, वो भी जानती हूँ, बस दी के अच्छे के लिए कर रहे हो, लेकिन इस तरह उस पर गुस्सा करना, रूड बिहेव करना, ये सही नहीं है, ये मेरे समझ के बाहर है सच्ची। मैंने बिना रूड हुए भी उसे समझाने की कोशिश की थी। तीजू, मैंने भी दी को समझाया, मैंने उसे बहुत समझाया कि व्रत मत कर, खाना खा ले, लेकिन वो अपने जिद पर अड़ी है, और इस चक्कर में ना उसने मुझे भी डांट लगाई बड़ी वाली, लेकिन मैंने पलट कर उस पर गुस्सा नहीं किया। तीजू, तो मुझे मजबूर कौन कर रहा है? हाँ तो मैं मान रही हूँ ना कि दी की गलती है, लेकिन अगर कोई गलती कर रहा है उस पर से हम भी गलती करें तो क्या सही है? सॉरी जीजू, मैं आपसे ऐसे बात कर रही हूँ, लेकिन आपने जो गुस्से से बात की, क्या उसे सब ठीक हो जाएगा, वो आपकी बात मान जाएगी? पर आपने सोचा कि उस पर कैसा असर पड़ेगा, अच्छा या खराब? मैं बताती हूँ, खराब असर पड़ेगा। एक तो पहले से दी की तबीयत खराब है, ऊपर से उसने व्रत रखा है, और आपने ऐसे उस पर गुस्सा किया, उसके दिमाग पर तो उल्टा ही असर पड़ेगा ना, दिन भर वो वही सोचती रहेगी, और उसके तबीयत के साथ साथ ना मन भी खराब रहेगा। अभी उसके साथ जो भी खराब हो रहा है ना, उसकी जिम्मेदार वो खुद ही है। चीजू, क्या है ये, आप क्यों जिद कर रहे हो? आप समझने की कोशिश तो करो ना, दी को अभी आपके प्यार और साथ की जरूरत है, ऐसे व्यवहार की नहीं, उसको आपसे हिम्मत चाहिए, प्यार चाहिए, और आप। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं मिलेगा उसे, सॉरी, मैंने लिटरली उसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज व्रत मत रखो, बार बार बात की मैंने उसे, समझाया प्यार से भी, लॉजिक्स देकर भी, लेकिन उसने मेरी बात ही नहीं मानी। अब उसको जो करना है वो करे, मुझे कोई मतलब ही नहीं है।